खबर है आपको। भावनगर से ब्यूटी मोहम्मद इशफाक पट्टू के मुताबिक डीएसपी सदर भावनगर नदीम अफजाल के सामने मुलजिमान ने अपना जुर्म कबूल किया और को इसके अलावा गवाहान के सामने डीएसपी साहब ने केस खारिज महज कॉल रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से कर दिया क्योंकि मुलजिमान बासर है। मुलजिमान की तरफ से डीएसपी साहब को सिफारिशात मौसूल हो रही है। सिटी थाना डिवीजन भावनगर में दी गई दरखास्त नंबर 3569 जबकि जो कि 3569924/2022 मुलजिमान के जुर्म कबूल करने के बावजूद खारिज कर दी गई। शहरी आसिफ रजा का कहना है 13 सालों से इन मुलजिमान ने जीना हराम कर दिया है और झूठा बेबुनियादी अखवाह का मुकदमा मेरे खिलाफ बुनियाद की साजिश, उन्होंने कत्ल और संगीन नतज की धमकियां दी, पूरे खानदान को कत्ल करने की धमकियां दी। बासर मुलजिमान ने डीएसपी सदर नदीम अफजाल के सामने भी बड़े फखरी अंदाज में कहा कि जी हम ये सब किया है। इसके बावजूद डीएसपी साहब ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय दरख्वास्त खारिज कर दी। मेरा केस मेरिट पर मबनी है और गवाहान की मौजूदगी में डीएसपी साहब के सामने मुलजिमान ने अपना जुर्म कबूल किया है। इसके अलावा पुलिस के गैर शफाफ तफ्तीश में शामिल होंगी। इसके अलावा डीएसपी साहब ने सच पर मबनी दरख्वास्त खारिज करके मुलजिमान के हौसला अफजाई की जबकि हमें हक पर होने के बावजूद दरख्वास्त खारिज की गई है।